आज थी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीजा तबक्कानी परीक्षा नो प्रारंभ थयो छे। बीए बीबीए बीएससी एलएलबी और बीएसडब्ल्यू सेमिस्टर पांच मी ज्यारे बीएससी आईटी एमएससी आईटी और एमपीएम सेमिस्टर त्रण सहित कोर्स की परीक्षा नो आज थी प्रारंभ थयो छे। अलग अलग 109 केन्द्र पर 22,524 विद्यार्थी परीक्षा आपी रहा छे, जेमा सौथी वधु बीए सेमिस्टर पांच ना 16,950 विद्यार्थी परीक्षा आपी रहा छे। कोविड-19 गाइडलाइन ने ध्यान में राखी परीक्षा लेवामां आवी रही छे। गत 10 तारीख थी शुरू थयेली परीक्षा 19 तारीख ना रोज पूर्ण थता आज थी बीजा तबक्का नी परीक्षा शुरू कराई छे। અત્યારે જે ઓફલાઈન એક્ઝામનું આ લોકો આયોજન કર્યું છે એમાં એ લોકોએ બધા પ્રિકોશનનું ધ્યાન રાખ્યું છે, લાઈક જે લોકો પાસે માસ્ક નથી એમને માસ્ક પ્રોવાઈડ કરે છે, એમનું એક્ઝામ દેતા પહેલાં એમનું ટેમ્પરેચર ચેક કરે છે એન્ડ સેનિટાઈઝ પણ કરવામાં આવે છે। અમે ક્યારે વિચાર્યું નહોતું કે આ કોરોનાના ટાઈમમાં એક્ઝામ આપશે, પણ સારું છે કે એટલીસ્ટ એક્ઝામ લેવાઈ જાય છે તો આમ યર બગડતું નથી, પણ આ થોડોક સ્ટ્રેસ લેવલ હાઈ હોય કારણ કે અત્યારે કેસીસ એટલા વધે છે। तो 109 केन्द्रों पर परीक्षा लेवामां आवी रही है। परीक्षा दरमियान तमामे तमाम प्रकार प्रिकॉशन्स ध्यान में राखवामां आवी रहा है। विद्यार्थियों टेम्परेचर चेक करवामां आवी रहा है, साथ ही सैनिटाइज पण करवामां आवी रहा है। सूरत में एक 50 वर्षीय वकीले आपघात करो। आदम जरंग नामना वकीले आपघात करो। आशियाना गौरात रोड पर नी आ घटना छे। फांसो खाई ने वकीले आत्महत्या करी आर्थिक संक्रमण में आपघात करो होवानी चर्चा छे। सूरत कोर्ट में तेओ प्रेक्टिस करता हता, फांसो खाई ने आत्महत्या करी लीधी छे 50 वर्षीय वकीले। जो कि चर्चा एवी करवामां आवी रही छे के तेमणे आर्थिक संक्रमण ने कारणे आत्महत्यानु पगलू भर्यु होई शके छे। सूरत में 50 वर्षीय वकीले आत्महत्या करी ली थी। गड़े फांसो खाई ने आदम जरंग नामना वकीले आत्महत्या करी। ओशियाना गोरात रोड पर नी आ घटना छे। संवाददाता कीर्तेश पटेल जोड़ाई गया छे वधु विगत साथे। कीर्तेश, शुं छे आ समग्र घटना नी जानकारी? बिल्कुल, सूरत ना अड़ाजन विस्तार में आवेला गोरात रोड पर आशियाना नामना बिल्डिंग में रहता 50 वर्षीय वकील आदम रंजन नामना आधेड़े પોતાના ઘરમાં સુસાઇડ કરી લીધું છે। જો કે પૈસે તકે 56 વકીલ અને તેમના જાણીતા વકીલે અપઘાત કરતા વકીલ બેડામાં ચક્કરમાં થઈ જવા પામ્યો છે, કારણ કે આર્થિક રીતે સદ્ધર હોવા છતાં પણ જે રીતે કોરોનાની મહામારીને લઈને લાંબા સમયથી પોતાનું કામકાજ નહોતું ચાલતું તેને લઈને સતત ડિપ્રેશનમાં રહેતા હતા અને કહી શકાય કે આર્થિક તંગીને અથવા તો આર્થિક પૈસાની તકલીફને લઈને અટકાવ એવી એક ચર્ચા એ બિલકુલ। આભાર આપનો આ તમામ જાણકારી માટે। दर्शक मित्रों, अमारा बिजनेस और फाइनेंशियल पत्रकारत्वना खजाना माथी एक खास ऐलान छे। देशनी सौथी लोकप्रिय सब्सक्रिप्शन न्यूज सर्विस मनी कंट्रोल प्रो ए दुनियाना सौथी विश्वासपात्र न्यूज ब्रांड माथी एक फाइनेंशियल टाइम्स साथे भागीदारी करी छे। एटले हवे मनी कंट्रोल प्रो ना सब्सक्राइबर्स फाइनेंशियल टाइम्स ना सर्वश्रेष्ठ लेख पण वांची शकशे। अमे आशा राखीए छीए के तमारा माटे आ फायदारूप साबित थशे।